हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो है वो बृहस्पतिवार के दिन का है, तो यहाँ पे बैठे हैं गणेश भगवान जी। तो यहाँ पे सामूहिक अवसान मैया का पूजा होता है, सो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि गणेश भगवान जी साल भर में एक बार ही आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छे से पूरे शहर में जगह जगह पे उन्हें बुलाया जाता है, बैठाया जाता है। सो मैंने सोचा कि एक प्यारा सा व्लॉग बना लिया जाए पूजा का, क्योंकि ऐसे ही यादगार रहता है ना, हम साल भर तक देखते रहते, तो कितना अच्छा लगता है जब भगवान जी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शाम सुबह में आरती, शाम में आरती, प्रसाद बनता है, तो इस तरह के सामूहिक होता है। देन बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था, 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू हो रहा था, वरना भगवान जी के जस्ट सामने ही सब बैठते हैं, पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, इस वजह से सब ऐसे घर में बैठे हैं, घर में कराते हैं। सो ये जो इसमें जो प्रसाद होता है वो लाई का होता है, चने का होता है, बर्फी का होता है। अवसान मैया का पूजा किस किसके शहर में होता है, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और बताइएगा कि आपके यहाँ ये किस तरीके से पूजा होता है। तो देन ये मौसी लगा रही थी प्रसाद, तो मैंने सोचा कि हर एक छोटे छोटे मोमेंट को जब हम इकट्ठा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब अगर ब्लॉग उठा के देखते हैं तो पूरा बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग तैयार होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग बना के रख लिया जाए, ताकि जब भी देखा जाए तब भी बहुत अच्छा लगे सभी को। तो यहाँ पे मौसी लगा रही थी प्रसाद और हम सब बैठे हुए थे। उसके बाद सबसे पहले तो पैर में रंग लगाया जाता है, उसके सबसे पहले कन्या को लगाया जाता है अगर कन्या है वहाँ पे, तो वरना औरतें जो छोटे होते हैं और जो बड़े होते हैं, छोटे बड़े के पैरों में रंग लगाते हैं। सो मौसी यहाँ पे प्रसाद सबका लगा रही थी। इस पूजा में ऐसा होता है कि सबको बराबर का प्रसाद मिलता है, किसी को ना कम ना किसी को ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह सब में ऐसे ऐसे लगाया जा रहा था कि किसके में कितनी गिनती चढ़ रही है बर्फ़ी की, सब में बराबर किया जाता है। हर बार काफ़ी लोगों को बुलाया जाता था, इस बार बारिश होने की वजह से कम कराया भी गया है। और इस बार सारे पंडाल में था, ए टू जेड जितना जहाँ जहाँ बैठा है सब पंडाल में था, तो औरतें मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी या कोई रीज़न की वजह से कोई नहीं आ पाता है। सो इस बार बारिश भी बहुत हो रहा था और इसी रीज़न की वजह से थोड़ा कम ही संख्या में कराया गया, वरना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा है पिछले साल का, सो आप प्लीज़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँ, चेकआउट ज़रूर करिएगा, उसमें देखिएगा आपकी बहुत से लोग कराए थे एंड बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारा ग्रुप बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उस बार। यहाँ पे अभी पूजा नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि भगवान गणेश भगवान जी की आरती हो रही थी, तो सब रुक गए थे थोड़ी देर कि भगवान जी की आरती हो जाए, उसके बाद यहाँ का अवसान मैया का पूजा शुरुआत करेंगे। तो सब गणेश भगवान जी की आरती कर रहे थे बैठे बैठे यहीं से ही।
यहाँ पे पूजा शुरू हो गया है। तो सबसे पहले गौरी गणेश भगवान जी का पूजा करते हैं, उन्हें देसी घी से तिलक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 ढेरिया रखा जाता है गौरी गणेश। और तो यहाँ पूजा शुरू हो गया था गणेश भगवान जी की आरती ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे गौरी गणेश जी का सबसे पहले पूजा किया जाता है सारे पूजा से पहले। तो वहाँ पे सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजा हुआ, उसके बाद अवसान मैया का फोटो रखा हुआ था तो उनको पूजा कराएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों लोग पूजा कर रही हैं। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सब बताइएगा कि आपके यहाँ भी ये पूजा होता है, अगर होता है तो किस तरीके से होता है, और कहाँ कहाँ ये पूजा अवसान मैया का पूजा कहाँ कहाँ ये लोग जानते हैं और कहाँ कहाँ लोग करते हैं, किस तरीके से होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे भी जानना है कि ये पूजा कहाँ कहाँ किस किस शहर में कौन कौन से लोग करते हैं और किस तरीके से करते हैं, मुझे भी जानना है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपके यहाँ ये पूजा किस तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ तो सेम ऐसे ही किया जाता है जैसे मैंने आपको व्लॉग में दिखाया है उसी तरीके से। फिर यहाँ पे जो मेन दो लोग पूजा करते हैं वो 7-7 लोगों में बट जाते हैं और वो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो औरतें होती हैं वो भगवान जी को सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने के बाद फिर सबके कुर्छे में एक दूसरे लोग डालते हैं, जैसे मेरे बगल में कोई बैठा है तो वो अपना प्रसाद मेरे कुर्छे में डालेगा और मैं अपना प्रसाद उनके कुर्छे में डालूँगी। ऐसे ही यहाँ बदली करा के प्रसाद दिया जाता है और बदली करा के दिया जाता है, लेकिन जो मेन होते हैं उन लोगों को सब अपने अपने कुर्छे में से देंगे। जैसे एक लोग पूजा कर रही हूँ तो उनके हिस्से में 7 लोग आएंगे तो वो 7 लोग अपने कुर्छे में से देंगी, वो जो दूसरी हैं उनके में जो 7 आई हैं उन वो उनको देंगी। और यहाँ पे सभी लोग बारी बारी करके भगवान जी को सिंदूर लगा रहे थे, धूपबत्ती दिखा रहे थे और फूल माला चढ़ा रहे थे। सब एक दूसरे को उठा देते हैं और यहाँ पे अवसान मैया की कहानी होती है। तो सबसे पहले हाथ में आपको 7 चना ले लेना होता है जो आपके आंचल में होता है लाई के साथ, और बर्फी थोड़ा सा लाई लेकर फिर कथा होता है यहाँ पे अवसान मैया का। उसके बाद भगवान जी को चढ़ा देते हैं कथा सुनने के बाद। सो मैं आगे फास्ट लगा दूँगी, आप देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पूजा ख़त्म होने के बाद
फिर सब वही लाई चना बर्फी का प्रसाद सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद जो भी प्रसाद में लोग बनवाते हैं वो खाते हैं, उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं एंड भगवान जी को पान का बीड़ा भी चढ़ाया जाता है। सो शायद वो वीडियो शायद नहीं मैं ले पाई हूँ, सो लास्ट में मैंने भगवान जी का पूरा वीडियो लगा दिया है, सो आप देखिएगा और मेक सर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भगवान जी के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट भी बनता है कि कहाँ कहाँ ये पूजा होता है, किस तरीके से होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद, ये ब्लॉग पसंद आए या ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट में मैंने भगवान जी के साथ एक म्यूज़िक सेट किया, आप बताना वो सही सेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से अलग से म्यूज़िक लगाना पड़ा जो